फोक्स तो देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो वाहन मशीन चला रहे हैं और काफ़ी अपनी जान को जोखिम में डालकर मशीन चला रहे हैं। किसी के घर में आटा है तो चावल नहीं, चावल है तो आटा नहीं, तेल तक नहीं है, किसी के घर में नमक नहीं है। ये गदेरा आता है इसके बगल पे, देखिए पूरा टूट चुका है, आप देखिए बहुत दिक्कत हो रही है। लोगों का प्रेशर भी होगा आप पे कि जल्दी जल्दी नहीं कर रहा काम, लेकिन आप थोड़ा अपने माध्यम से बता दीजिए कि कितनी आपको परेशानी हो रही है, थोड़ा खुल के बता दीजिए हमें। बहुत परेशानी, नेचुरली है, नेचुरल मिनरल वाटर भी आपको मिलता जाएगा और हम इसका आनंद लेते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उर्गम घाटी, मैं आपका हॉस्ट एंड दोस्त उर्गम हसी। तो दोस्तों आप सभी को पता है जैसे उर्गम घाटी का सड़क का हाल, जो कि मैं आपको बता दूं 15-20 दिनों से यहाँ पे जो घाटी की सड़क है काफ़ी दुर्दशा है, आवाजाही यहाँ पे ठप है और जो लोगों के लिए राशन और अन्य सामग्रियाँ, खाद्य सामग्रियाँ उर्गम घाटी तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि यहाँ पे सड़क 15-20 दिनों तक लगातार ख़राब होती जा रही है और खुलने का नाम नहीं ले रही है। जबकि यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो मशीनें लगी है, फिर भी यहाँ पे काम नहीं चल रहा है। आप मेरे माध्यम से पीछे देख सकते हो काम धीमी प्रक्रिया से चल रहा है, धीमी चल रहा है या तेज़ी से चल रहा कुछ पता नहीं, प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। आप देखिए ऊपर से टूटता ही आ रहा है, टूटता ही जा रहा है, आप देख सकते हो। और यह है सड़क की हाल। और मैं आपको बता दूँ जो यहाँ पे उर्गम घाटी में जो राशन की सुविधा है उर्गम घाटी तक नहीं पहुंच पा रही है और उर्गम घाटी के लोग काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं, क्योंकि जो इंसान के लिए जीने के लिए मुख्य चीज़ है वो राशन है, खाना पीना है, वही यहाँ के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ऐसी हाल हो गई है उर्गम घाटी के लोगों का, यहाँ तक तो खाद्यान्न सामग्री बिल्कुल भी नहीं पहुँच पा रही है। आप मेरे पीछे देखिए उर्गम घाटी का सड़क का हाल एकदम पूरी आप तक ग्रस्त क्षेत्र बन चुका है और टूटता ही जा रहा है, आप देख सकते हो। ये देखिए तो दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे सड़क नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ऊपर से आप देख रहे हो पूरा टूट चुका है, आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो। और यहाँ पे अभी पता नहीं सड़क कहाँ से जाएगी, काफ़ी दिन लगेंगे सड़क खुलने में। देखिए काफ़ी यहाँ पे स्थिति ख़राब है उर्गम घाटी की सड़क की और लोग काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। कितनी परेशानी हो रही है रोड बनाने में, उतना ऊपर से आया जा रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों को ये नहीं लग रहा है कि भाई मशीन है ऊपर से टूटता जा रहा है नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप बोल रहे होंगे सड़क कब खुलेगी कब खुलेगी, यहाँ पे जैसे ही मशीन काम कर रही है दोबारा यहाँ से ऊपर से टूट के आ जा रहा है देखिए, और काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे जो मशीन चला रहे हैं उनको भी करना पड़ रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके यहाँ पे मशीन चला रहे हैं, आप देख सकते हो कितना बड़ा जोखिम है यहाँ पे, अपनी जान को जोखिम में डाल करके मशीन चला रहे हैं। देखिए इस प्रकार से उर्गम घाटी की सड़क को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देखिए दोस्तों काफ़ी मतलब मैं आपको बता दूं काफ़ी यहाँ पे दुर्दशा हो चुकी है सड़क की, ये देखिए आप देख सकते हो काफ़ी भयभीत डरावनी तस्वीर आप देख सकते हो मेरे माध्यम से। ये देखिए जो कि मैं आपको बता दूँ जैसे ही मतलब खुलने की नौबत आ रही है, मशीन काम कर रही है, ऊपर से दोबारा टूट के ऊपर से आ जा रहा है और जिसके कारण उर्गम घाटी में समस्त लोग परेशान हैं, जो उनका खाद्यान्न सामग्री है परेशान है लोग कि किस तरीके से खाएं किस तरीके से जिएं, लोगों का यहाँ जीना मुश्किल हो चुका है। और इस तरीके से देखिए टूटता ही जा रहा है, प्रकृति अपना कहर बरसा रही है, देखिए क्या भयंकर स्थिति हो चुकी है आप देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो वाहन मशीन चला रहे हैं और काफ़ी अपनी जान को जोखिम में डालकर मशीन चला रहे हैं, थोड़ा सा ही कर रहे हैं फिर टूट जा रहा है। तो भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में, कितनी दिक्कतों की आपको परेशानी हो रही है मशीन चलाते समय? बहुत दिक्कत हो रही है। लोगों का प्रेशर भी होगा आप पे कि जल्दी जल्दी नहीं कर रहा काम, लेकिन आप थोड़ा अपने माध्यम से बता दीजिए कि कितनी आपको परेशानी हो रही है, थोड़ा खुल के बता दीजिए हमें। बहुत परेशानी हो रही है। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? रविंदर सिंह। कहाँ से हो भाई साहब आप? पीपलकोटी से। तो देखिए दोस्तों उर्गम घाटी की सड़क को महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पीपलकोटी से आए और अपनी जान को जोखिम में डाल करके देखिए मशीन चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं एक तरफ से मशीन चला रहे हैं, एक तरफ से टूट भी रहा है, प्रकृति अपना कहर बरसा रही है और इस तरीके से इतने भयंकर स्थिति में ये मशीन चला रहे हैं। देखिए दोस्तों
दोस्तों देखिए जो यहाँ पे ड्राइवर भाई लोग हैं इनको जो तेल की समस्या है, फ्यूल की समस्या है, उसके लिए ये भी यहाँ से अपने डब्बे पकड़ के पंप तक जा रहे हैं। ये देखिए डब्बे रखे हैं डीजल पेट्रोल के, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे वाहन खड़े हैं, सारे यहीं फंसे हैं दुर्गम घाटी की सड़क पे। ये देखिए जो इनका रोज़गार था ये भी थोड़ा धीमा चल गया है, क्योंकि सवारियाँ लोग आ जा नहीं रहे हैं बाज़ार। ये देखिए आप देख सकते हो सारे लोग यहाँ पे फंसे हैं, वाहनों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे लोग बैठे हैं आप देख सकते हो मेरे माध्यम से। तो दोस्तों देखिए घाटी की, अगर आप घाटी पे आना चाहो, अगर आप चढ़ाई चढ़ सकते हो तभी आना। देखिए अभी तो हम डाउन में हैं, काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता है, आप देख सकते हो काफ़ी खतरनाक है। आप ये देखिए और आपको जगह जगह पे इस चढ़ाई वाले रास्ते में सुंदर से वाटरफॉल, छोटे छोटे झरने भी देखने को मिलेंगे, आप पानी पी सकते हो। नेचुरल है, नेचुरली है, नेचुरल मिनरल वाटर भी आपको मिलता जाएगा, और हम इसका आनंद लेते हैं। तो दोस्तों देखिए जो लोग बोल रहे हैं ना रोड 2-3 दिन में खुल जाएगी, लेकिन अभी मुश्किल है। अभी यहाँ पे ये देखिए गाड़ी चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर जो अभी मैंने आपको दिखाया जहाँ पे मशीन काम कर रही है वहाँ पर तो अभी तो बहुत दिन लगेंगे, क्योंकि जैसे ही मशीन काम कर रही है वैसे टूटते जा रहा है। देखिए हालत देखिए रोड की क्या भयंकर हो चुकी है यहाँ पे, देखिए ऐसे में कैसे गाड़ियाँ चलेगी, और कैसे इस स्थिति में कैसे उर्गम घाटी की जो खाद्यान्न सामग्री है कैसे उर्गम घाटी तक पहुँचेगी। और मैं उर्गम घाटी के सभी समस्त किसानों से अनुरोध करता हूँ, ये देखिए घाटी की सड़क, खासकर मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ अपने किसानी पर मेहनत करिए, और ये देखिए सड़क के भरोसे मत रहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको खाने के आपको लाले पड़ जाएंगे, जो आपकी मूलभूत इकाई है खाने पीने की वो नष्ट हो जाएगी। दोस्तों हमारा सफ़र जारी है अपने मंजिल की ओर। ये देखिए हम उर्गम से हेलंग तक किस स्थिति में पहुँचे आपने देख लिया होगा वीडियो में, और जगह जगह टूटा है और टूटी रहा है, और जैसे भी हमने सोचा हेलंग में तो सही होगा, लेकिन हम निकले हेलंग की ओर तो वहाँ भी आप देख सकते हो कि पूरा टूट फूट हो रखा है, गदेरे अत्यधिक मात्रा में, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी क्षति हुई होगी ऊपर गाँव वालों को। और ये देखिए सड़क का ये हाल है, तो गाँव में क्या हाल होगा, सभी जगह ये हाल है आजकल बरसात में, और ख़ासकर इन दिनों की बरसात में काफ़ी नुकसान हो गया है। आप न्यूज़ों के माध्यम से देख ही रहे होंगे, अपने समाचार में देख ही रहे होंगे कि आपको समाचार मिल ही रहा होगा कि जगह जगह ये हाल है। थोड़ी देर हम निकल रहे हैं कहीं आगे की ओर, तब तक सड़क में पत्थर गिर जा रहा है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर पत्थर गिर जा रहे हैं, हर कदम पर यहाँ पर खतरा है, खतरा ही खतरा है। थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो पत्थर गिरी जा रहे हैं सड़कों में, आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। और अभी देखिए दोस्तों थोड़ा देर यहाँ पे सभी लोग इंतज़ार करते हुए, काफ़ी गाड़ियों की जब लाइन लगी कुछ देर बाद यहाँ पे जेसीबी आई, जेसीबी ने पत्थर हटाए, उसके बाद सभी लोग अपने मंजिल की ओर निकल गए। और कोई भरोसा नहीं है, कभी भी सड़कों पे यहाँ पे पत्थर गिरते जा रहे हैं, थोड़ी देर 1-2 किलोमीटर आगे चलो फिर पत्थर गिरे हुए मिल जा रहे हैं ताज़ा ताज़ा, और कहीं पर टूट ही जा रहा है। और ये देखिए हमारा सफ़र भी जारी है, और हम अभी वापस अपने घाटी उर्गम घाटी की ओर निकल रहे हैं। यह अभी अभी का नज़ारा है, पूरी सड़क बंद। ये देखिए जो हेलंग में क्रेशर है उसके ऊपर, ये देखिए ये गदेरा आता है इसके बगल पे, देखिए पूरा टूट चुका है आप देखिए। तो दोस्तों देखिए यह हालत उर्गम घाटी की सड़क की, जो कि ऐसा लगता है कि जो रोड काटने वाले हैं उनको नई सर्वे करनी चाहिए, क्योंकि जो पुरानी सड़क है काफ़ी ध्वस्त हो चुकी है आप देख सकते हो। ये देखिए लोग पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, देखिए जो अपने खाने पीने के खाद्यान्न सामग्रियाँ हैं सब ले जाते हुए, तेल तूल और आटा चावल सभी इसी प्रकार से हेलंग से अपने पीठ में लाद कर ला रहे हैं। और ये देखिए सड़क पूरे किस स्थिति में बदल चुकी है, आप देखिए क्या भयंकर बदल चुकी है, आप ये सामने से देख सकते हो। दोस्तों देखिए यह है उर्गम घाटी की सड़क का हाल, बेहाल है पूरी। कुछ लोग कह रहे थे कि 2-4 दिन में खुल जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूं असंभव है। आपने वीडियो देख ही लिया होगा मेरी, पूरी वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि अभी असंभव है। जो भी मशीन यहाँ पर सही कर रहा है फिर ऊपर से टूट के आ जा रहा है, और उर्गम घाटी की सड़क
पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। काफ़ी दिन और लगेंगे, 15-20 दिन लगे थे और आई मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि और दिन इसमें लगेंगे, क्योंकि मशीन सही कर रही है तो ऊपर से टूट के दोबारा आ जा रहा है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अपनी किसानी पे ध्यान दें और अपनी खेती बाड़ी पे ध्यान दें, और आपकी खेती बाड़ी से जो अनाज होता है आपके काम आएगा, और आपको ऐसी विषम परिस्थितियों में ऐसा भटकना नहीं पड़ेगा और सड़क के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, ना ही किसी सरकार के भरोसे और ना ही अन्य किसी व्यक्ति के प्रति आपको ऐसे आश्रित नहीं रहना होगा जैसे आज हैं। सब नेताओं पे दबाव दे रहे हैं, नेताओं का क्या है, वोट मांग के चले जाते हैं, फिर अपना एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं और जनता को भूल जाते हैं। तो आप प्लीज़ इन सबको इग्नोर करके अपनी खेतीबाड़ी, अपनी किसानी पे ध्यान दीजिए और अपने आप को निखारें और अपनी किसानी को निखारें जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। हम किसान नहीं रह गए हैं, हम खेतों पर मेहनत नहीं कर रहे हैं, इस बाज़ार के आने से इस आधुनिक ज़माने में हम डर रहे हैं, इसे हमें बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आप समस्त उर्गम घाटी की जनता देख सकते हो, 15-20 दिन से सभी लोग परेशान हैं, किसी के घर में आटा है तो चावल नहीं, चावल है तो आटा नहीं, तेल तक नहीं है किसी के घर में, नमक नहीं है, जो भी दुकानों में था उर्गम घाटी की जितनी भी दुकानें हैं उनसे सभी ने सामान ले लिया है, और दुकानदारों के पास भी सामान लाने का कोई साधन ऐसा नहीं है कि अपनी दुकानों में वो सामान भर सके। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस बार आप अपनी खेतीबाड़ी और अपनी किसानी पे ज़रूर ध्यान दें और अपनी खेतीबाड़ी में मेहनत करें, जिससे कि हम गेहूं भी अपने खाएं और चावल भी अपने खाएं और छोटा मोटा जो सामान होता है मार्केट का उसे हम लाएं, जिससे हमें उनको लाने में कोई कठिनाइयां ना हो। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपनी खेतीबाड़ी में ध्यान दें, क्योंकि सड़क का हाल तो आप देख ही रहेंगे क्या भयंकर हो रखा है। आखिरकार दोस्तों, हम थके हारे और अपनी जान को जोखिम में डालकर आखिरकार हम अपनी घाटी की ओर वापस आ जाते हैं, और ये देखिए मेरे साथ सारे यंग लोग बैठे हैं और हमने डिसाइड किया क्यों ना हम छत में बैठें, प्रकृति का आनंद लेते हुए चलें। और ये देखिए मेरे साथ बैठे हैं सारे लोग और एंजॉय कर रहे हैं प्रगति को। उर्गम घाटी की सड़क से तो आप देख ही रहोगे क्या हाल बेहाल हो रखा है, और हम इसी रिस्क को लेते हुए छत में बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं, क्योंकि पैदल चलते चलते इतनी गर्मी हो गई थी, पसीने से लथपथ, हमने सोचा क्यों ना ताज़ी ताज़ी हवा ली जाए, और हम बैठ चुके हैं छत में और आनंद लेते हुए जा रहे हैं। मेरे साथ देखिए सारे यंग लोग बैठ गए हैं, ये भी आ रहे थे मार्केट से। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।